उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट और रामपुर खतौली विधानसभा सीटों पर हुए उपचुनाव की काउंटिंग की गई। उत्तर प्रदेश की मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल यादव की जीत हो गई है। यहां भाजपा के कैंडिडेट रघुराज शाह के उनके सामने थे। इसी बीच समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव शिवपाल सिंह यादव से मिलने उनके घर पहुंचे। अखिलेश यादव ने समाजवादी पार्टी का झंडा शिवपाल सिंह यादव को दिया। इसी के साथ शिवपाल सपा में शामिल हो गए। समाजवादी पार्टी की प्रसपा का सपा में विलय हो गया है। वहीं आजम खान के गढ़ रामपुर में भाजपा की जीत हुई है। इधर खतौली सीट पर आरएलडी की जीत हुई है। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए उत्तर प्रदेश उत्तराखंड स्टेट हेड अमरीश सिंह हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमरीश, आखिरकार लोकसभा उपचुनाव को सपा ने जीत लिया है, उनकी अस्मिता का सवाल था इस सीट पर। देखिए ऋषभ, 6 लाख से अधिक वोट पाई है डिंपल यादव जी। ये चुनाव सपा के भविष्य का चुनाव था, सपा के नए सूर्योदय का चुनाव था। और इस चुनाव पे जिस तरीके से डिंपल यादव ने जीत हासिल की है, उससे कम से कम भारतीय जनता पार्टी ने तो ये संदेश तो दिया है कि सपा के किले को भेदना अभी भी आसान नहीं है जी। कुलवंत सिंह यादव अपने जीते जी जो काम नहीं कर सके, वो अपने निधन के पश्चात वो काम हुआ है जिसकी शायद परिकल्पना किसी ने नहीं की थी। भारतीय जनता पार्टी को ये तो एहसास था कि इस किले को भेदना इतना आसान नहीं है, लेकिन उसको इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि इतना बड़ा मार्जिन आएगा। 3 लाख के करीब, 2.5 लाख से अधिक के वोट से जीत रही है जी। कल जिस तरीके से ये ताजा तो शाम 5 बजे के बाद ही चुनाव आयोग की तरफ से फैसला आएगा कि कितने वोट मार्जिन से जीत रहेंगे, लेकिन फिलहाल 6,08,000 से अधिक का वोट प्रतिशत वोट जो है उनके पास है। 65% वोट जो है वो डिंपल यादव को पड़े हैं। और इसके साथ ही समाजवादी पार्टी और प्रगतिशील समाजवादी पार्टी का विलय हो गया है जी। शिवपाल यादव पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। चचे और भतीजे एक हो गए हैं और विश्वस्त सूत्रों के अनुसार जल्द ही बड़ा पद प्रदेश अध्यक्ष या नेता प्रतिपक्ष का पद जो है वो शिवपाल को मिलेगा। लेकिन डिंपल यादव ने जिस तरीके से शुरुआत से ही, अखिलेश यादव ने, शिवपाल यादव ने शुरुआत से ही जिस तरीके से पहले दिन से अपने चुनाव प्रचार के दौरान लोगों में संदेश दिया था कि नेताजी की बहू है शिवपाल यादव की बहू है अखिलेश यादव की पत्नी है, तो यहाँ पे बहू और भाभी दोनों का ही जो कर्तव्य है जो जनता ने बहुत अच्छे से निभाया है कि समाजवादी पार्टी, हालांकि रामपुर में जरूर चुनाव हारे जी रजा, लेकिन जिस तरीके से काउंटिंग छोड़कर वो बाहर आए हैं जी, और उन्होंने ये बोला है कि ये जो जीत है वो पुलिस को मुबारक हो, सीधे सीधे प्रशासन पर सवाल समाजवादी पार्टी की तरफ से लगाए गए हैं। 34,000 के लगभग वोट से हारे हैं आसिम रजा, बहुत करीबी है आजम खान के। इसी के साथ आजम खान के भी राजनीतिक कैरियर पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया है कि जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तब तक आजम खान के लिए मुश्किलें जो है वो आसान होने वाली नहीं है। हालांकि खतौली विधानसभा भाजपा के जबड़े से समाजवादी पार्टी ने छीनी है लोकदल के साथ गठबंधन करके, वहां से मदन भैया ने चुनाव हरा दिया है राजकुमारी सैनी जी को जी। अमरीश, लोकसभा सीट पे तो पहले ही माना जा रहा था कि डिंपल यादव की जीत लगभग तय मानी जा रही थी, भाजपा ने कोशिश भी करी रघुराज शाक को उतार कर, लेकिन अगर विधानसभा सीटों की बात करें तो रामपुर की सीट और खतौली की सीट, रामपुर में जहां पहले आकाश सक्सेना पीछे चल रहे थे उसके बाद उन्होंने जीत दर्ज की, इधर खतौली में भी, तो कहीं ना कहीं भाजपा को अब यह समझना पड़ेगा कि जो आपने ही बात कही कि जो गढ़ है समाजवादी पार्टी के, जो किले तैयार हैं उसमें भेदना अभी इनके लिए आसान नहीं है। बिल्कुल, ये 2024 की तैयारियों की एक झलक है जी। 2024 में अब भारतीय जनता पार्टी को ये पता चल चुका है, क्योंकि जिस दिन से पहले दिन से शिवपाल सिंह यादव अखिलेश यादव के साथ आए हैं, तब से उनके सरकारी आवास पर उनके ऊपर सीबीआई जांच और जिस तरीके से उनकी सुरक्षा, ये 3 चीज अहम चीज जो शिवपाल यादव को कमजोर करके फिर से उनको खतरे से दूर करने की कोशिश की गई थी, उस पर शिवपाल सिंह यादव को भी ये समझ है अब कि जब तक चाचा भतीजा एक साथ नहीं होंगे तब तक भारतीय जनता पार्टी के इस किले को ध्वस्त करना जो 2014 के बाद से पूरे भारत में है आसान नहीं होगा। इस किले को भेदने के लिए दोनों के साथ आना पड़ेगा। और इस बार के विधानसभा चुनाव में भी अखिलेश यादव का वोटिंग परसेंटेज बढ़ा था, सीटें कम आई, सरकार भारत
पार्टी की बची, लेकिन इस अगर भारतीय जनता पार्टी को भी ये बात पता है कि क्या क्या सोपान अगर आ जाएंगे तो जो नेता समाजवादी पार्टी से दूर हुए हैं वो चाचा सोपान के साथ फिर से आएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने जो समाजवादी वोट या फिर ये कहिए ओबीसी वोट बैंक जो शिफ्ट हुआ है वो सिर्फ इस वजह से शिफ्ट हुआ है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को ये बात पता है कि अखिलेश और सोपान जितने दूर रहेंगे वो वोटिंग परसेंट जो है भारतीय जनता पार्टी के पास उतना ही बढ़ेगा। लेकिन रामपुर में आजम खान की सीने पर सब ध्वस्त करना ये एक बड़ी चुनौती की समाजवादी पार्टी के पास भी, हालांकि तमाम तरीके से उसमें जो दोषारोपण किए गए हैं जो इल्जाम लगाए गए हैं कल समाज कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है इस चीज की जी, आजम खान ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था कि हमारे वोटरों को वोट नहीं डालने दिया गया, कम से कम 2.5 लाख हमारे वोटरों को वोट डालने को रोका गया, सबसे कम वोटिंग प्रतिशत जो था 33% का वो रामपुर में ही था। लेकिन अम्बरीश इसको लेकर तो प्रेस वार्ता अखिलेश यादव ने भी करी थी, उस दिन अखिलेश यादव भी जब मैनपुरी के चुनाव चल रहे थे तो उन्होंने भी बोला कि यहाँ पर हमारे कार्यकर्ताओं को वोट नहीं डालने दिया जा रहा है, जो लोग समाजवादी पार्टी को वोट डाल रहे हैं उनको डालने नहीं। और आज जो रिजल्ट निकल कर आया, मुलायम सिंह यादव 95,000-1 लाख वोटों से जीतते थे, उनकी बहू ने वो भी रिकॉर्ड तोड़ दिया, तो इस चीज में कोई मतलब मुद्दा समझ नहीं आया इनका। देखिए मुद्दा ये है, आजम खान के साथ पुरानी सियासत जुड़ी हुई है, वो ये है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार हुआ करती थी जी, योगी आदित्यनाथ गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे और उस वक्त जिस तरीके से लगातार 2 बार योगी आदित्यनाथ के ऊपर हमले हुए थे जी, और 2000 अगर हम 14 की बात करें तो जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ ने संसद में भरे लोकसभा सदस्य होते हुए जिस तरीके से वो रो तक दिए थे कि उनको पर ये हमले समाजवादी पार्टी खासकर आजम खान के जरिए कराए जा रहे हैं, वो हिंदू मुस्लिम की जो एक राजनीति थी उस वक्त भी सड़क पर थी, और 2017 के बाद जब मुख्यमंत्री बने योगी आदित्यनाथ उसके बाद से उन्होंने लगातार अटैक जो है वो आजम खान पर ऊपर करना शुरू किया, क्योंकि मुस्लिम पॉलिटिक्स रामपुर में जिस तरीके से आजम खान ने शुरू की है जी, आज भी आसिम रजा जब तक बाहर आगे थे 4,000-5,000 वोटों में सुबह से आगे चल रहे थे, तकरीबन 12-1 बजे तक वो आगे ही थे जी, जी एक बड़ी वजह ये थी कि जहां पे मुस्लिम बाहुल्य इलाके थे उन सीटों पर आसिम रजा आगे चल रहे थे, लेकिन जैसे ही दूसरे तरफ की काउंटिंग शुरू हुई जहां पे हिंदू वोट बैंक अच्छा खाता है वहां पे आकाश सक्सेना को लगातार बढ़त मिलनी शुरू हुई, और यही एक बड़ी वजह थी कि रामपुर में 5 घंटे लगातार आकाश सक्सेना पीछे थे, लेकिन कहीं भी भाजपाइयों में ये निराशा नहीं थी कि चुनाव हारेंगे, क्योंकि इनको पता था कि जब हिंदू वोट बैंक खुलेगा जी आकाश सक्सेना जो है वो सिर्फ राइज करेंगे, और वही चीज हुआ और नतीजा ये रहा कि 34,000 से अधिक मतों से आकाश सक्सेना को जीत मिली है, लेकिन ये आजम खान का ये वहां पर सूर्यास्त नहीं है बल्कि उनको तैयारियों का मौका मिलेगा, उनको ये इंतजार करना पड़ेगा कि भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर योगी आदित्यनाथ जब तक प्रदेश में रहेंगे तब तक उनकी मुश्किलें नहीं रुकने वाली, लेकिन अखिलेश यादव ने भी एक रूट मैप एक प्लान तैयार किया है 2024 में वो किन समीकरणों के साथ या किस मैनिफेस्टो के साथ जाएगी कि जनता 2024 में अब समाजवादी की तरफ देखे। ऋषभ तो अम्बरीश एक तरफ जहां लोकसभा उपचुनाव थे तो उसमें तो अपना गढ़ बचा लिया, लेकिन रामपुर की सीट की बात करें तो रामपुर की सीट जो आजम खान का गढ़ माना जाता था वो उनसे अब छीन ली है, तो ये अब ये है कि 2024 के चुनाव के लिए भाजपा और समाजवादी पार्टी दोनों को अब कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। बिल्कुल देखिए कड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन खतौली जब जैसा कि मैंने पहले कहा झगड़े से जीत छीनी है, राजकुमार सैनी वो नाम थी मदन भैया के ऊपर राष्ट्रीय लोकदल के प्रत्याशी थे, गठबंधन के प्रत्याशी थे, लेकिन लोग राष्ट्रीय लोकदल के ही जो नेता थे जो बड़े चेहरे थे उन्होंने भारतीय जनता पार्टी इस बात पर ज्वाइन कर ली कि हेलीकॉप्टर प्रत्याशी को उतारा है, मदन भैया जो क्षेत्र में रहते हुए नहीं है भले ही पूर्व विधायक थे लेकिन ज्यादातर विदेशों में और दिल्ली में रहना पसंद करती है, लेकिन इसके बावजूद राष्ट्रीय लोकदल जयंत चौधरी ने वहां कमान संभाली और अजीत सिंह की तर्ज पर इस बार चुनाव लड़ा, चुनाव कैसे लड़ा किसानों के मुद्दे पर लड़ा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है वो किसानों का गढ़ है, गन्ना का सबसे ज्यादा जो उत्पादन है वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, पूरे भारत वर्ष में गन्ने का सबसे ज्यादा उत्पादन पश्चिमी उत्तर प्रदेश है, वो बरेली की बेल्ट है, वो रामपुर की बेल्ट है, वो मुरादाबाद की बेल्ट है, वो सहारनपुर की बेल्ट है, उस बेल्ट को उसकी नक्श को पकड़ा जयंत चौधरी ने, पता है कि कैसे सीट जीती जाएगी, 8 सीटें जीती थी जयंत चौधरी ने विधानसभा चुनाव में और 1 सीट में फिर उनके खाते में 9, और थोड़ी देर पहले जयंत चौधरी का ट्वीट आया है लकी 9 नंबर पर फिर से विराजमान हुई रालोद, इसका मतलब है कि ये जो 9 का फैक्टर है वो जयंत चौधरी के साथ चल पड़ा है,
बिल्कुल भतीजे के साथ जयंत चौधरी के आने से भतीजा जरूर मजबूत होगा, अखिलेश यादव जी होंगे, लेकिन किले में पेड़ लगाने के लिए कांग्रेस यानी अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी अभी से चिंतन मंथन करना शुरू करेंगे और साथ ही आज जो 6:30 बजे की बैठक है दिल्ली में उस पर यह विचार जरूर किया जाएगा कि 2024 की राह में अब किस तरीके से ये जो रुकावट आई है इस पर फिर से किस तरीके से मलहम लगाया जाए। बिल्कुल अम्बरीश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो उत्तर प्रदेश में उपचुनाव में जहां लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी की डिंपल यादव ने जीत दर्ज की है, तो रामपुर सीट पर भाजपा और खतौली सीट पर सपा और रालोद ने मिलकर जो चुनाव लड़ा था उसमें जीत दर्ज की है। तो कहीं ना कहीं एक तरफ जहां रामपुर जो आजम खान का गढ़ माना जाता है, समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता रहे, और दूसरी तरफ लोकसभा सीट जो दिवंगत नेता मुलायम सिंह यादव के निधन के बाद खाली हुई थी उसमें उनकी बहू डिंपल यादव ने चुनाव लड़ा, और उसके बाद उनकी जहां एक तरफ अस्मिता का सवाल था, इज्जत का सवाल था, और खरी उतरी डिंपल यादव। जो लोग हैं, जो आम लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उन्होंने पूरा समर्थन दिखाया और मुलायम सिंह यादव का रिकॉर्ड तोड़ते हुए डिंपल यादव ने जीत दर्ज की है।